बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल कुछ और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है जिनकी रिक्वेस्ट पाइलिंग अप हो रही है। कुछ तबीयत नासाज थी सॉरी, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो आज जो है मैंने चूज किए हैं जो क्यू में चले आ रहे हैं उसमें से मैंने पिक किए हैं सेनर्जी सेनर्जाइको पाकिस्तान लिमिटेड और पावर सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट। तो चलिए आइए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम एनालिसिस शुरू करते हैं। अच्छा, मैं जैसे वीक अभी करीब आ रहा है तो मैंने वीकली चार्ट जो है इसको चूज किया है। एक नज़र हम थोड़ा डेली पे डाल लें और जिस तरह हम इसका ट्रेंड देखते हैं सेनर्जी का, तो सेनर्जी का ट्रेंड हमें 200 पे मैंने इसको बाय डिफॉल्ट जो है प्लॉट किया हुआ है, तो इस वक्त अप ट्रेंड में है। अनलेस और अनटिल ये जब तक ये लाइन जो है ब्रेक नहीं करता है, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये वाला एरिया 3.42 रुपए का, ठीक है। ये अच्छा इस वक्त सपोर्ट एरिया बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो डेली पे ये आपसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरा अभी डेली पे जो है और वीकली पे अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस, वीकली का तो खैर रेजिस्टेंस अभी आगे, डेली का रेजिस्टेंस जो है वो अब यहाँ पर है, ये वाला एरिया जो है ना, इसका अगर हम नेक लाइन ले लें 3.86 रुपए, 3.90 रुपए, यहाँ पहले 3.90 रुपए का हाई किया था, तो ये 3.86 जो है ये अभी तक इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया है और इसको रिटेस्ट भी किया है यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है ये स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब डाउन साइड पे देखें तो सपोर्ट जो है अच्छी भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, डेली के हिसाब से ही देख लेते हैं। चले इसको हम आज डेली पे कर लेते हैं। और वैसे ये जो सीपीआर है, सबसे पहले तो सीपीआर लेंगे। सीपीआर जो है इसका लेवल जो था इसमें इस वक्त जो है, पहले कुछ और तो जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से और डिफरेंट मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है ना ये सीपीआर चेंज होता रहता है। तो इस वक्त जो अभी करंट सिनेरियो में जो कल की रैली बनी उसमें जो सीपीआर जो बन रहा है उसमें सपोर्ट जो है 4.64 रुपए, 4.57 रुपए और 4.48 रुपए नजर आ रही है। अब इस पर थोड़ा सा उसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो इसको हम ये वीक ले लें तो ये 4.41 रुपए भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये अगर ये तो सीपीआर तो इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे ये करिए सस्टेन करता है तो देखें एक ही दिन में अच्छा खासा इसने स्प्रेड दिखाया, 4.35 का लो था और 4.65 का हाई किया है, तो छोटे स्टॉक में एक ही दिन में इतना स्प्रेड अच्छा है। अच्छा, और थोड़ा और अगर हम नीचे आ जाए इस तरफ तो ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ एक्चुअली सपोर्ट जो थी इसकी नेकलाइन एरिया था ये वाला एरिया, तो यहाँ पे नीचे थोड़ी वीक बनी, यहाँ पे इसको जो है ये यहाँ पे इसकी जो छोटा जो डोजी है इसकी एक इनिशियल यहाँ पे रेजिस्ट सपोर्ट एरिया यहाँ बनता था, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 4.30 रुपए का राउंड, तो उसने छोटे से यहाँ पे वीक बनाई, ठीक है, और 4.25 रुपए का राउंड लो किया और क्लोजिंग जो है ऑब्वियसली इसी के ऊपर दी 4.30 रुपए के ऊपर, तो दैट वाज अ गुड साइन। तो इसकी वजह से ये उसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। कुछ न्यूज भी जाहिर सी बात है उसमें काम अदा करते हैं, रोल अदा करते हैं, न्यूज है, र्यूमर्स हैं, ये सब मार्केट के साथ चलते रहते हैं, स्टॉक की परफॉर्मेंस इसी के हिसाब से चलती है। और टेक्निकल जो देखें सेंटीमेंट शो करता है यहाँ पे, ऑब्वियसली देखें यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर क्रिएट हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप में पता नहीं शायद कहा था कि नहीं, तो यहाँ पे कहा था सेनर्जी इन्होंने लिया हुआ है तो अभी यहाँ पे ना ले, और जिन्होंने लिया हुआ है 3 रुपए में तो वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ डार्क क्लाउड कवर, जैसे यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना था, डार्क क्लाउड कवर एक्चुअली ये होता है कि इस फेक आउट होता है एक तरह से, जिस तरह से ये ब्रेकआउट हुआ MA 200 का, ठीक है, और यहाँ पे इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया यानी बुलिश कैंडल बनी इसके ऊपर जाके, इसके ऊपर जाके मतलब यहाँ पे डिच किया, यहाँ जैसे यहाँ क्लोजिंग थी अब इसके ऊपर जो है ये स्टॉक गया तो लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग शुरू कर दी 4.10 रुपए, इसके बाद जो है इसने ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरे दिन की कैंडल को पहले आप देखें, स्टॉक कहीं नहीं भागा जा रहा है, अगर ये भाग भी गया तो दूसरे स्टॉक है KC 100 स्टॉक्स है, KC ऑल में तो 300-400 स्टॉक्स है, तो आपको किसी ना किसी में चांस मिल जाता है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ट्रेडर है, अभी फंडामेंटली तो ये कोई इतना अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें कोई मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसको
लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं फॉर डिविडेंड वगैरह, अभी इस पर देखें अगर इसका फाइनेंशियल तो अभी इस वक्त लॉस में है। 46 पैसा अभी क्वार्टर की अर्निंग आई थी इसकी, 46 पैसा लॉस आया है इसका। तो सर ये न्यूज पे जो है वो कर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है 100 सबसे बड़ी न्यूज रिफाइनरी में चल रही है, रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे ये मूवमेंट कम दिखा रहा है, वरना तो रैली अच्छी खासी बनती, जैसा एटीआरएल में बनती हुई देखी, पीआरएल में, इसमें इस वजह से रैली इतनी बनती हुई नजर नहीं आ रही है फंडामेंटल्स की वजह से। तो ये उनके लिए है, सिर्फ ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए है कि यहाँ पे जो है इस एरिया में ये जो बैंड बनता हुआ नजर आ रहा है 4:30 से लेकर 4:86, अभी फिलहाल इसके अंदर जो है वो ट्रेड करें। हाँ अब जैसे ये डार्क क्लाउड कवर है, जैसे यहाँ पे था एक ये बनता हुआ, मैंने यहाँ पे बता दूं ये वाला, ये इसका ओपनिंग एरिया था, ठीक है, इसको नेक लाइन अब ये सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया 4 पे 4 पैसे। ये भी एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट जो है यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, बिटवीन 430 टू 4 4 रुपीज, 4 रुपये समझ लें, ठीक है ना, बल्कि हम इसकी नेक लाइन ले लेते हैं, इसकी क्लोजिंग की 3 रुपये 95 पैसे तक, 3:30 से 3:95 अभी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और इस वक्त अभी देखें तो अब इसने एक ये बैंड क्रिएट कर लिया है 4:30 से लेके 4:86 तक, ठीक है, इस बार बल्कि इसको भी हम यहाँ पे इसकी भी है क्योंकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसकी इसकी भी हम ले लेंगे, ठीक है, 4:80 तक समझ लें मैक्सिमम। तो इस वक्त 4:30 4:80 50 पैसे के गेन के लिए जो है आप अभी फिलहाल जो है इसमें काम कर सकते हैं, अनलेस और अंटिल इसको ब्रेक नहीं करता ये वाला एरिया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसकी विक पे इसकी रेजिस्टेंस दे देता हूँ, ये ब्रेकआउट एरिया है, ये वाला ब्रेकआउट एरिया है, ठीक है, इसी तरह इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, और इसी तरह जो है ये वाला एरिया, ये इसको भी सपोर्ट दे देता हूँ, इसको भी ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये सपोर्ट एरियाज हैं आपको बता दिया, 4:30 4:10 और 3:95, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो मैं अगर उसको ये कहूं कि 3:95 से लेके 4:94 तक, ठीक है, 1 रुपए के बिटवीन ₹1 to 50 पैसा यहाँ पे आप जो है इसमें अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे बुलिश कैंडल कोई क्रिएट नहीं होती है, इस तरह की कोई बुलिश कैंडल हो जैसे ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पे इसको मैं ये येलो कलर दे देता हूँ क्योंकि मेरा कस्टमाइज कलर है ये बुलिश कैंडल के लिए, अगर यहाँ बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर हम आगे जाके इसको ट्रेंड लाइन की मदद से देखते हैं हम कहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे फॉर सपोज चल इसको मैं और आगे कर देता हूँ, ठीक है, ये ब्रेक होती है फिर यहाँ पे एक और कैंडल फॉर्म होती है इस एरिया को सपोर्ट लेते हुए, तो फिर यहाँ अगर ये ब्रेक होती है और इसको कोई कैंडल, जैसे यहाँ कोई फेक आउट नहीं होता है, जैसे हमेशा यहाँ पे फेक आउट मिला, यहाँ पे इसको फेक आउट मिला, कोई डोजी बनता है रिवर्सल का, बेरिश रिवर्सल का, या कोई डार्क क्लाउड कवर बनता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह कोई कैंडल बनती है डार्क क्लाउड कवर की, तो फिर आप साइड पे हो जाकर कोई बुलिश कैंडल बन रही है, देखें एंड में जो ना आपको पता चल जाता है कि भाई देखें ये 5, फॉर सपोज यहाँ पे ले चले 5:19 5:20, ये प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग थी, इससे ऊपर अब ये क्लोजिंग होने जा रही है तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, अगर अपर कैप जा रहा हो तो फॉरन एंट्री ले लें, अगर नहीं जा रहा तो रुकें दूसरे दिन आप एंट्री ले लें, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो फिर ये कहाँ जा सकता है ये भी आपके साथ शेयर कर लो। अब हम वीकली पे आ जाते हैं, थोड़ा डेली हमने शेयर कर लिया, चले काफी अच्छा हो गया, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा चला गया लेकिन एक अच्छी चीज समझ में आ गई कि आपको इसमें किस तरह ट्रेड करनी है, ठीक है, तो ये अभी मैं फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि इसके ऊपर एटलीस्ट बुलिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, तो अभी एरिया जो है रेजिस्टेंस के वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, या टारगेट प्राइस समझ लीजिए जिसको आप, ठीक है, तो एक तो ये एरिया है, ठीक है, ये आप रेड दे देता हूँ, ठीक है ना, ये एक तरह से ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, 4:94 से 5:19, फिर इसके बाद जो है ये वाला इसकी नेक लाइन, इसके बाद इसकी ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी के बाद, ब्रेकआउट के बाद ये वाला एरिया, ठीक है, 5:84 ये हम देख सकते हैं,
ठीक है। फिर इसके बाद जो है एरिया जो है ये वाला एरिया हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते 6.71, जो पहले भी यहाँ पे बड़ी विक भी बनी थी, 7 रुपए 10 पैसे तक भी गया था स्टॉक, लेकिन ये वाला एरिया जो है इसका ब्रेकआउट नहीं मिल पाया 6.71 का, तो ये भी हम देख सकते हैं। और 6.24 ये इसकी नेकलाइन रेजिस्टेंस है, 6.24 6.25 ये एरियाज हैं। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर परफॉर्म करता है, तो फिर हम आने वाले दिनों में ये वाले एरिया भी रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं 7 रुपए 77 पैसे, ठीक है। और इवन 8 रुपए 75 पैसे, ये एरिया आने वाले दिनों में रिटेस्ट हो सकता है। ये एरिया, ये टारगेट्स हमारे होंगे, ठीक है, कौन से, जब ये ब्रेकआउट करेगा 5.84 का, ठीक है, तो यहाँ रेजिस्ट कर सकता है 6.24 से लेके 6.71 तक रेजिस्टेंस एरिया फिर मिलेगा आपको, हर्डल मिलेगी बीच में, और इसके बाद जो है 6.71 के बाद जो है आपको ये अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी आपके साथ शेयर कर लूँ, ये वाला एरिया बीच में, ये 7.91, और ये एरिया है, ठीक है, जहाँ पहले भी आया था 6.71, 7.13, 7.91, 8.74, ये एरिया जो है आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, और ये आपके साथ मैंने सपोर्ट भी कर दिए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है, कंप्लेन तो नहीं की ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है उनको सीख, क्योंकि कंप्लेन इसमें बनता नहीं है, क्योंकि ये देखने से ही आपको पता चला। अगर आप जिसने जिन्होंने सीखना है वो, मैं मेरा मशवरा है कि चलें ठीक है, किसी मसरूफियत की वजह से वो देख नहीं सकते, सिर्फ अगर वो हैंड फ्री लगा के सुन भी सकते हैं तो अच्छी बात है, चले उसमें भी मालूम बात में, लेकिन आपको सीखने में देखने के लिए मिलेगा तो वो तभी आप सीख सकेंगे। तो इसको मेरा मशवरा है कि इसको देखा करें, तो ताकि आप खुद सीख जाएं, आपको किसी की मोहताजी ना हो कि आप किसी सर के पास पीछे जो है वो पढ़े ना रहे कि प्लीज ये बता दे प्लीज, तो कुछ आप अपनी भी रिसर्च कर सकें, एनालिसिस कर सकें। तो अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ, कभी जो सपोर्ट एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू वीकली सपोर्ट एरियाज, ठीक है, अभी डेली पे मैंने आपको बता दिया था 467, 457, 448, वीकली पे जो है 430, 410, 395 और 342, ये सपोर्ट एरियाज हैं। रेजिस्टेंस एरियाज जो है ऑब्वियसली ये वीकली और डेली दोनों का रेजिस्टेंस एरिया है 478, 494 और 519, ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, बल्कि यूं समझ ले 494 से 519 ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसके बाद जो है फिर वो जो टारगेट्स होंगे वो आपके जो है वो आप अपना फिर टारगेट जो है चूज कर लें, आपने कौन सा इसमें टारगेट पे निकल जाना है, वो 584 है, 624 है, 671, 713, 719 और 874, ठीक है, ये टारगेट्स हैं। अच्छा, अब अगले स्टॉक की तरफ आ जाते हैं, पावर सीमेंट। अच्छा, पावर सीमेंट में डेली पे आ जाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, 200 MA 200 लॉट किया हुआ है, तो अप ट्रेंड में है, अनलेस और अंटिल ये एरिया जो है इसको सस्टेन करता है, ये वाला एरिया, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 4 रुपए 18 पैसे का एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, बल्कि इसको मैं हाँ यहीं पे कंसोलिडेट किया था, यहीं पे सारा इसी को ले लेते हैं, इसी एरिया को ये एरिया ले लेते हैं, ठीक है, 4 रुपए 24 पैसे 20 पैसे 24 पैसे, ये थोड़ा सा और ऊपर कर दो ये वाला, ठीक है, 20 24 पैसे के दरमियान जो है ये एरिया जब तक ब्रीच नहीं होता है तो ये स्टॉक अभी इस वक्त अप ट्रेंड में है। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो है बड़े छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ ये परफॉर्म कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये अभी कल के दिन अच्छा वॉल्यूम लगा इसमें, 7 मिलियन का काम हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है 2 मिलियन, 2.6 मिलियन, 5 मिलियन यहाँ अच्छा हुआ था इस डोजी में, तो अच्छे इसमें इस तरह देखिए डोजी में के छोटे छोटे, इसका मतलब है कि क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा नहीं हो और वॉल्यूम ज्यादा हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में माल एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इस स्टॉक को जो है देखना चाहिए। फॉल लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, लॉन्ग टर्म अगर हम इसमें नजर डालें, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसमें भी लॉस ही है, 53 पैसे का,
तो अभी फिलहाल इस पे लॉन्ग टर्म, लेकिन इस वक्त जो है डेवलपमेंट की काफी न्यूज है, कुछ फंड भी रिलीज हुए डेवलपमेंट के हवाले से, और ऑब्वियसली डैम्स की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसमें सीमेंट सेक्टर जो है परफॉर्म करता है। और वैसे भी सीमेंट सेक्टर अगर ओवरऑल परफॉर्म करता है तो ये छोटे सीमेंट भी चलते हैं, इनको हम पेनी स्टॉक में शुमार करते हैं, पावर सीमेंट को और डीसीएल वगैरह को। अभी एक फ्लाइंग को भी करूंगा एनालाइज, वो भी अब पेनी स्टॉक में आ गया है, तो उसको हम अभी एनालाइज करेंगे। तो इस वक्त देखें 5.21 का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनता बना जा रहा है, 5.21 से लेके, और इसका अगर हम ये ले लें एरिया 4.90, ठीक है। अभी फिलहाल जो है 5.21 से लेके 4.90 तक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अच्छा, अब इसमें अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो ये दोबारा रिटेस्ट बल्कि करीब ही है, 5.81 का हाई किया इसने, और ये जो 5.89 का जो इसने यहाँ पे डोजी बनाया था इसके बाद, जिसे मैंने पहले ही बोला था कि हल्का सा डार्क क्लाउड कवर हुआ, इसके बाद जो फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर डोजी बना और फिर दूसरी कैंडल ने इसको कंफर्म किया बेरिश कैंडल ने, और फिर इसने स्टॉक ने नीचे की तरफ परफॉर्म किया। तो ये देख लें, ये वाला लेवल जो है, ये तीन लेवल अगर हमारे पास आ गए, अगर इसके अंदर परफॉर्म करता है और इसको ब्रीच नहीं करता है, ठीक है ना, और ये सपोर्ट एरिया ले लें, ठीक है ना। ये हम इसको कंसीडर, क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिला था या भूल गया हूं मैं, इसमें ये सीपीआर के लेवल आप समझ लें, सीपीआर का लेवल है 5.21, 5.4, 5.90, और सपोर्ट एरिया जो है वो ये बनता बना रहा है 4.71 रुपए। अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो अगर ये इसको ब्रीच करता है ये वाला एरिया, जो भी रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया, ये वाला जहाँ से ये डोजी बना था 5.89 रुपए का या 90 पैसे का, इसको अगर ये ब्रीच करता है तो फिर आइए हम इसको देखते हैं आने वाले दिनों में, वीकली के हिसाब से देखते हैं आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर दें तो ये देखें, ये 5.97 तक जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि ये इसका नेक लाइन, ये दो दफा ये रिटेस्ट हुआ, ये देखें यहाँ पे हुआ, इसको ब्रेक किया इसको 5.98 को, फिर ये इसने बेरिश कैंडल ने इसको कंफर्म किया, इसके बाद से कभी भी ये, अब ये पहली दफा ये तकरीबन समझे जब ये ब्रेक किया था तब था ये तकरीबन मई 2022 22 का था, 1 साल से भी ऊपर हो गया, तो ये 5.98 ब्रेक नहीं किया इसने और नीचे की तरफ परफॉर्म करता हुआ, इवन उसने 3.50 का भी लो किया है, 3.48 3.50। तो इस वक्त अभी करंट सिनेरियो में देखें, अगर हम वीकली चार्ट शेयर करें तो इसको हम 50 में कर लेते हैं, वीकली मंथली दोनों पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, बल्कि मंथली पे ज्यादा अच्छा काम करता है, उसको उसमें देख लेते हैं। तो देखें यही वाला एरिया जो है 4.23, और ये वाला एरिया जो अगर हम लेंगे 4.33 4.23, ये अच्छा एरिया सपोर्ट का एरिया बनता रहा है। मंथली में अगर हम देख लें तो मंथली में इस वक्त जो है ये इस एरिया के ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये एक तरह से समझे ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है ऑन मंथली टाइम फ्रेम 5.98 से लेके 6.53 तक। अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो इसको हम फिर मजीद ऊपर जाते हुए देख सकते हैं स्टॉक को, फिर उसमें हमारे पास जो टारगेट्स होंगे, एक तो ये बीच में रेजिस्टेंस आएगा 8.30 का, और एक ही हम जैसे डार्क क्लाउड कवर है तो ये इसको भी आने वाले दिनों में रिटेस्ट कर सकता है, बल्कि हम इसकी नेकलाइन, इसकी जो ओपनिंग है ये 10.72 तक भी ये जा सकता है। ये मंथली पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 10.72, और ये एरिया जो इसका चैनल टॉप है इसको भी ये रिटेस्ट कर सकता है 12.07 रुपए। तो ये एरिया जो है, ये जो है एक बीच में ये भी एक हर्डल आ सकता है 9.40 का, 9.25 9.40 ये वाला एरिया जो है। तो इसके इसके ऊपर जो अगर बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आपके टारगेट्स होंगे 8.30 9.38 10.70 और 12.07। अभी फिलहाल 6.53 तक है ये, ठीक है, वही अगेन ये ट्रेडिंग के लिए, ये कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं है, एज सच कोई डिविडेंड देता नहीं है, आप पूरी देख लें पूरी हिस्ट्री में कहीं डिविडेंड और बोनस नजर नहीं आ रहा है इसमें, कैपिटल गेन के लिए सही है, आप इसमें ट्रेडिंग के लिए आप इसको स्टॉक को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है दूसरे अदर स्टॉक हैं उसको आप देख सकते हैं फॉर ट्रेडिंग, और जिनका शौक है, जिनके पास है पुराने रखे हुए, उनके लिए एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ,
दोबारा से आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 4.23 रुपए, 4 से लेके 4.71 रुपए तक अच्छा सपोर्ट है। और इसके बाद जो सीपीआर के लेवल है 4.90, 5.4, 5.21, और फिर इसके बाद जो है रेजिस्टेंस है 5.98, 6.53, 6.53 के बाद जो टारगेट होगा 8.30, 9.38, 10.70 और 12.07। जब तीसरे स्टॉक की तरफ आ जाते हैं वो भी सीमेंट सेक्टर का ही है, फ्लाइंग सीमेंट। जब फ्लाइंग सीमेंट का भी देखें तो इसमें ये थोड़ा सा ये डेली पे नजर डाल लेते हैं एक मिनट में, मंथली से हटके तो थोड़ा मैं ये एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये अप ट्रेंड में जब तक ये वाला एरिया जो है बरकरार है, सपोर्ट का 6.41 रुपए, तो ये जब तक ही अप ट्रेंड में, सॉरी, ये 200, असल में वो मंथली ले रहा था ना, इसको 200 कर ले, ये वाला एरिया, इसको ये अगर क्लियर कर दें, ठीक है 5.95 तक, जब तक ये 5.95 तक जो है वो ट्रेड कर रहा है इससे ऊपर ऊपर, तो ये अप ट्रेंड में ही है। और अभी हम वीकली पे थोड़ा नजर डालें तो वीकली पे भी देखें, अगर ये इस वीक का वॉल्यूम बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहाँ इस वीक में बना था वॉल्यूम 155 मिलियन का वीकली था, फिर इसके बाद और कम होके 69 हो गया, तो ये 69 के बाद जो है थोड़ा अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे बना है 21, वरना इससे पहले तो आप देखें 7.2, 17, तो ये 21 अभी इस वीक में, अभी और वैसे बात है और ऐड होगा वॉल्यूम, तो अच्छा वॉल्यूम बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें अगर देखें, अब ये अच्छा स्टॉक है पेनी स्टॉक में, इस पे आप काम कर सकते हैं, इस पे 13 रुपए की जो है वो अर्निंग है क्वार्टर की, तो इसके हायर चांसेस है ऊपर जाने के, राइट वाइट दिए इसने, हाँ यहाँ पे राइट भी दिए हैं, बाकी डिविडेंड कुछ नहीं दिया, बोनस दिया। देखिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है पे आउट की बनिस्बत दूसरे स्टॉक के, एक दफा बोनस दिया है, लेकिन चलें बहरहाल बोनस दे दिया इसने, अच्छी बात है। तो अब ये वीक पे देखें तो सीपीआर के लेवल से अगर हम इसकी हेल्प से देखें तो 7.63, 7.93, 8.23 ये जो है सीपीआर के लेवल है, और क्लोजिंग जो है वो 8.23 के ऊपर ही आई है, तो एंट्री ले सकते हैं इन लेवल्स पे, वापस अगर नीचे आता है 8.23 पे ले सकते हैं, 7.93, 7.63 यहाँ पे इन एरियाज में आप, जैसे आप थोड़ा सा आपने 8.23 में ले लिया, 7.93 में ले लिया, 7.63 में, इसके बाद जो फिर थोड़ा स्टॉप हो जाए फिर देखें, तो आपको मार्केट का सेंटीमेंट बता देगा, तो आप 7.93 रुपए से भी स्टॉप हो सकते हैं, 8.23 रुपए के बाद भी देखें भाई मार्केट बहुत नीचे परफॉर्म कर रही है, बहुत नीचे आ गए, 1000 पॉइंट की मंदी आ गई, तो फिर आप इसमें हट जाए, फिर आप उस वक्त इसको इन एरियाज में एक्यूमुलेट ना करें, फिर देखें इसके नीचे कौन सा सपोर्ट एरिया बनता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। पहला एरिया तो 7.16 रुपए बहुत अच्छा एरिया बन रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये वाला एरिया जो है बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, तो फिर आप इसमें यहाँ पे 7.12 पे थोड़ी एंट्री ले सकते हैं, फिर एक ये एरिया है यहां पर भी मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूं, ये वाला एरिया जो है 6.34 से लेके 5.95 तक, इसको भी आप फिर देख सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं, क्लियर मार्क्स, ठीक है, ये इसका मैंने ये नेकलाइन लिया, रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में आ गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये एरिया अच्छा है 7.30, और ये वाला एरिया इसका भी नेकलाइन ले लेते हैं इन एरियाज में, फिर आप देखेंगे ये यहाँ पे कहीं मार्केट सस्टेन कर रही, तो इन एरियाज में फिर आप जो है एक्यूमुलेट और मजीद कर सकते हैं, वो एरियाज हैं 7.12, 6.68, 6.30 और 5.95। अच्छा अपर साइड पे देखें, अपर साइड पे कहां तक जा सकते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा ट्रेंड लाइन की मदद से हम देखेंगे कहां तक ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, अपर साइड पे ये कहां तक जा सकता है, ठीक है ना, अगर हम नजर डालें, इधर नजर दौड़ाएं तो ये एरिया अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ था, ये मैं इसको थोड़ा सा ये कलर भी चेंज कर देता हूं, ठीक है, ये एरिया जो है जब से ये ब्रेक किया था
ये भी हुई नवंबर 2022, एक साल हो गया है। ये ट्रेंड लाइन का एरिया जो है 7 रुपए 35 पैसे, ये अभी इसने ब्रेक कर लिया है 7 रुपए 35 पैसे। देखें वीक भी बनी थी, वीक पे फिर नीचे स्टॉक आया था, अब इसको ये इसको ब्रेक कर दिया इसने। तो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है ये ब्रेक किया है तो थोड़ा सा अभी अब थोड़ा अपने परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो एक तो ये एरिया है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, यहाँ पे ये इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये एरिया है। और ये टारगेट भी हो सकता है आपका ऑब्वियसली 9 रुपए 65 पैसे, ये आपको यहाँ पे दिखा सकता है। इसके बाद जो है ये एरिया 9 रुपए 65 पैसे के बाद आपको ये एरिया मिल सकता है टारगेट के लिए, ये वाला एरिया 11 रुपए 30 पैसे। बीच में आपको ये हर्डल मिल सकती है 10 रुपए 41 पैसे की, इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये सब आपको प्राइस सेक्शन के बता रहा हूँ। और अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ये सूनर और लेटर यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेगा, या यहाँ पे आके ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा फिर नीचे आएगा रिट्रेस करेगा। तो ये वाला एरिया जो है 11 रुपए 30 पैसे, और इवन ये वाला एरिया भी रिट्रेस कर सकता है जब इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए 16 रुपए 37 पैसे ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। एरियाज में आपको फिर अगेन जो है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो रेजिस्टेंस एरियाज है जहां पे हमको रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। 9.65 मतलब ये आपके टारगेट्स भी हैं ऑब्वियसली, 9.65, 10.41, 11.30, 12.60 और 16.40, ये एरियाज जो हैं यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बीच में चले एक और भी मैं दे देता हूँ, ये एरिया भी एक है, सोलह पैंसठ का, 14.65 का, और एक एरिया भी दे देता हूँ, चले ये एरिया भी आ गया आपका। ये आपके टारगेट्स होंगे 9.65, 10.41, 11.30, 12.60, 13.40, 14.65 और 16.37। तो इसी हिसाब से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें और ट्रेड करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।